वातावरण एवं पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहजने की अनूठी पहल की सराहना करते हुए शहर विधायक ने 5 बिल्डिंग स्थित मंदिर के पास बनवा रहे कृष्ण कुंज, जिसका कल जन्माष्टमी के दिन होगा उद्घाटन। शहरी वातावरण एवं पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहजने की पहल की सराहना करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संकल्पना से कृष्ण कुंज योजना वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ने, अपने सांस्कृतिक विरासत को सहजने और उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम कृष्ण कुंज रखा गया है। विगत वर्षों में शहरीकरण की वजह से हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से इन पेड़ों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए अनुकरणीय पहल की जा रही है। इसके चलते 5 बिल्डिंग स्थित सिविल लाइन में 1 एकड़ के क्षेत्र में कृष्ण कुंज, बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इस संबंध में विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि पूरे जिलों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जाए, ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसे हम आगे बढ़ा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग में 5 बिल्डिंग क्षेत्र में लगभग 10 लाख रुपये की लागत से इसका निर्माण पूर्णता की ओर है और कल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उसका लोकार्पण किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।